उज्जैन के महाकाल मंदिर में वीआईपी दर्शन शुल्क के विरोध में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक भवन का किया घेराव और मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। महाकालेश्वर मंदिर में वीआईपी दर्शन के लिए शुल्क लेने का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। विरोध स्वरूप शिव सैनिकों ने आज कोठी पैलेस स्थित प्रशासनिक संकुल भवन का घेराव किया। यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम कलेक्टर के द्वारा प्रशासनिक अधिकारी कृतिका भीमावत को ज्ञापन सौंपा। शिव सैनिकों की मांग है कि महाकाल मंदिर का व्यवसायीकरण बंद किया जाए। वीआईपी प्रोटोकॉल के नाम पर जो शुल्क लिया जा रहा है उसे तत्काल बंद किया जाए। यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो वो सड़कों पर उतरेंगे और शहर बंद भी करवाएंगे। चादर भेंट कर रही है जैसे कि बराते हैं, परंतु दिनांक 11/10/2022 को माननीय प्रधानमंत्री जी व मुख्यमंत्री जी द्वारा महाकाल लोक का लोकार्पण करने के पश्चात प्रतिदिन दर्शनार्थियों की संख्या लगभग 1,00,000 के आसपास हो गई है। यह नगर के लिए आर्थिक दृष्टि व पर्यटक के मान से अच्छा है। दूसरी ओर नगर में ऐसे कि जो महाकाल पर जो लूट खसोट चल रही है, इस पर आदरणीय कलेक्टर साहब को और मुख्यमंत्री जी को हमारे तरफ से अवगत कराए आज ज्ञापन प्रस्तुत किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी को कलेक्टर महोदय के नाम। और ये मांग की गई है कि जो महाकाल पर जो भ्रष्टाचार चल रहा है और जो शुल्क लगा रखी, शुल्क का जो रेट शुल्क लगा रखा, व्यवसायीकरण कर दिया है, उसको हमने आज मांग रखी कि इसको बंद किया जाए। और भगवान महाकाल सभी के हैं, गरीब के भी हैं, अमीर के भी, सभी लोगों के हैं, तो इसलिए ये जो शुल्क लगा रखा है इसको बंद किया जाए, नहीं तो शिवसेना सड़कों पर आंदोलन करेगी, उज्जैन बंद करेगी और हमारा चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। तो हमारा एक ही निवेदन है कि जो व्यवसायीकरण चल रहा है वो 250 रुपये ले रहे हैं, 700 रुपये ले रहे हैं, 1500 रुपये ले रहे हैं, इस चीज़ को बंद किया जाए, ये दुकानदारी सारी बंद की जाए, नहीं तो शिवसेना सड़कों पर आंदोलन करेगी।